है और आज आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लोकतंत्र की लड़ाई पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रचार के बाद, प्रधानमंत्री के गली गली घूमने के बाद, आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीट दिल्ली में 67 सीट 70 में से जिस आदमी ने जीती, वो आदमी आता है ना लाल बत्तियों का कारवां है ना पुलिस वालों की पोपो है जैसे गोवा के विधायक और नेता घूमते हैं। यही आम आदमी की पहचान है, यही आपकी पहचान है जिसके लिए आप लड़ाई। दोस्तों यही सिखाया सारे धर्मों ने, यही सिखाया हिंदुओं ने, यही सिखाया इस्लाम सिखाने वालों ने और यही सिखाया क्रिश्चियनिटी सिखाने वालों ने। यही सिखाया कि एक आम आदमी की तरह आपके बीच में आए, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, वो आपके सवालों का सामना करे, आपसे संवाद करे। और यही सिखाया इस्लाम ने। मंच पर डॉक्टर रहमान साहब बैठे हैं, आप सब लोग इस्लाम परस्त बहुत सारे लोग बीच में हैं। यही सिखाया हम सबको मस्जिद में जाते समय कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। ये आम आदमी की लड़ाई। गोवा अपनी आजादी की लड़ाई हिंदुस्तान से ज्यादा लड़ा है। हिंदुस्तान ने जितने बरस आजादी की लड़ाई लड़ी, 1947 में 15 अगस्त में हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन गोवा अपनी लड़ाई लड़ता रहा। आपको क्या लगता है कि भारत के 29 प्रदेशों में आम आदमियों ने, देश के आम आदमियों ने जब लड़ाई का सिलेक्शन किया दिल्ली के बाद, तो पंजाब का चुनाव क्यों किया, गोवा का चुनाव क्यों किया? उत्तरांचल में भी चुनाव था, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव था, मणिपुर में भी चुनाव था। ये इसलिए चुनाव किया कि क्रांति का बीज जिन दो मिट्टियों में सबसे अच्छी तरह रोपा जा सकता है वो एक पंजाब और एक गोवा है, जहां हम लोग खड़े हुए, जहां आप लोग खड़े हुए। आज देश की सबसे बड़ी कहे जाने वाली पार्टी जो दिल्ली में अपने 300 सांसदों के साथ लड़ी थी और आखिरकार 3 सीटों को प्राप्त हुई थी, आज उसके सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गोवा में रैली कर रहे हैं। मैं उनकी रैली का अपडेट देख रहा था। उन्होंने कहा गोवा के नागरिकों वोट दो, आप चिंता मत करो, गोवा को पर्रिकर जी चलाएंगे दिल्ली से। मैं गोवा से पूछना चाहता हूं, आपको एल्विस गोम्स जैसा एक नेता चाहिए जो इसी मिट्टी में पैदा होकर यही फलता फूलता है, या रिमोट कंट्रोल का प्रधानमंत्री चाहिए या मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली से चलने वाला है? सब जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री इस समय बिठा के रखे हैं उनकी गोवा के हक में निर्णय लेने की कोई औकात नहीं। एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच अच्छा रिलेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का आदर करेंगे ठीक होना चाहिए, लेकिन ये जो गोवा के खुद्दार लोग हैं, मैंने आपके प्रत्याशी गोम साहब का भाषण सुना, कितनी तेजस्विता के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ, कितनी शक्ति के साथ उन्होंने इंदिरा नगर की बात की, आप सबकी बात की। आप क्या चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपने वो दृश्य देखा जब गोवा के मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी को पानी का गिलास दे रहे थे दोनों हाथ जोड़ के? ऐसा लग रहा था कि भाड़े पर रखा गया नौकर छुट्टी के लिए आवेदन मांग रहा हूं। ये लोग गोवा का भविष्य तय करें, गोवा को विशेष राज्य का पैकेज मिलना चाहिए, ये बात कहने की खुददारी एल्विस गोम्स में है, ये बात कहने की खुददारी आपके प्रत्याशी में है। आपको एक ऐसा विधायक चाहिए कि गोवा के लिए स्पेशल पैकेज मांगने के लिए वो दिल्ली जाए, और 2019 में अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठे हो तो वो अरविंद केजरीवाल से भी लड़ जाए और कहे कि वादा करके आया हूं पैकेज लेके जाऊंगा। ऐसा आदमी आपको चाहिए। आप सब लोग आज से पहले इस बात पे चर्चा करते थे कि क्या करें गोवा में, कांग्रेस तो यहां वैसे भी शून्य है, कहीं है नहीं, दिल्ली में भी जीरो थी, गोवा में भी जीरो का सफर होगा, गोवा में एक जीरो बढ़ जाएगी, डबल जीरो हो जाएगी, दिल्ली में एक जीरो थी। भारतीय जनता पार्टी का आप सब जानते हैं, पूरे गोवा को पता है। मैंने संघ के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता से मेरी बात हुई, मैंने कहा गोवा में क्या चल रहा है, मैं रैली करके आया तो दोबारा रैली करने जा रहा हूं, अरविंद वहां पर हैं। बोले जी आपका तो पता नहीं पर हम भाजपा को जरूर हरा लेंगे। उनके घर में यह स्थिति है, इसलिए जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, गोवा में पहली बार यह अवसर आया है कि गोवा खुद का चुनाव खुद कर सके। ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कुमार विश्वास की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई गोवा के हर उस नागरिक की है जिसने ये सोचा कि आज से 30 साल पहले का गोवा कैसा था। हमारे बाहर के पत्रकार आए हुए हैं इस महफिल में, इस सभा में पत्रकार रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमको जानकर दुख हुआ जब हमने पहली बार सुना कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी पूजाओं में चढ़ाया जाने वाला, चाहे इस्लाम मानने वाले हो, चाहे क्रिश्चियनिटी मानने वाले हो, चाहे हिंदुत्व मानने वाले हो, सबके यहां पूजा में अर्पित होने वाला नारियल, उसको काटकर जब जमीनों का कब्जा करना था तो इन गोवा के दुष्ट नेताओं ने षड्यंत्र करा और नारियल को घास में सम्मिलित कर दिया। पूरी दुनिया में नारियल पेड़ है,
गोवा के संविधान में, गोवा के कानून में नारियल को पेड़ बताया गया है। तो गोवा के नागरिकों जिन्होंने इतने पवित्र पेड़ को घास में तब्दील कर दिया, उन्हें मिट्टी में मिला देने का संकल्प आपको करना है, अपने हाथ उठाकर आपको संकल्प करना है अपनी बात का। जितने लोग यहां पर है ज्यादा कुछ मत करिए, एक एक व्यक्ति जितने लोग यहां पर है आज कसम खाकर जाइए, एक एक आदमी एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएगा, एक ग्रुप में 250 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, जिसके 1000 लोगों से परिचय हो वो 4 ग्रुप बनाएगा और 4 तारीख तक लगातार लोगों से संवाद करेगा। हमारे पास बड़े होल्डिंग के पैसे नहीं है, हमारे पास हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के पैसे नहीं है। मैं आज दूसरी रैली में पहुंचा हूं, पहली में नहीं पहुंच पाया इसलिए क्योंकि पहली फ्लाइट छूट गई और दूसरी मिली नहीं। हमारी पार्टी के पास इतने पैसे नहीं है, हम लोगों के हाथ पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने प्रचारकों को हेलीकॉप्टर से ले जाएं, लेकिन हमारे पास वो हुनर है, आपके पास तो ताकत है कि आप एक एक आदमी के दरवाजे पर जाकर उसे समझाएंगे, तो जिस तरह दिल्ली में इनका गुरु टूटा है उस तरह गोवा में भी इनका अहंकार टूटेगा, इनकी इनकी औकात इनको पता चलेगी। दिल्ली में सरकार बनी, हमको लगा चलिए लोकतंत्र में निर्णय होता रहता है, हम लोकसभा लड़े थे हार गए, मोदी जी आप लोकसभा जीत गए, हम दिल्ली जीत गए आप दिल्ली हार गए, बुरी तरह हो सकता है लोगों ने निर्णय हमारे समर्थन में कर दिया, अब तो शायद ठीक ठाक शांति से होगा। लेकिन दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो केंद्र के इशारे पर चलती है, मोदी जी के इशारे पर चलती है, उसने 23 विधायकों पर मुकदमा कर दिया, अदालत में बात गई, 18 विधायकों पर किए गए मुकदमे और FIR को अदालत ने खारिज करके दिल्ली पुलिस को डांटा और डांट लगाई कि आप गलत मुकदमा कर रहे हैं। लेकिन इतने षड्यंत्रों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। एक वादा किया गया था दिल्ली में कि दिल्ली में सरकार आई तो हम बिजली के बिल आधे कर देंगे, आपको जान के खुशी होगी और आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात की बधाई अपनी तालियों में देंगे कि सरकार आने के 24 घंटे के भीतर बिजली के बिल आधे कर दिए गए, आज दिल्ली में आधे बिजली के बिल। एक वादा किया गया था पानी सबका अधिकार है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, वो इतना तो कर सकता है कि अपने घर में खाना बनाने लायक पानी रखे, मुंह धोने लायक पानी रखे, नित्य नैमित्त क्रियाओं के लिए पानी रखे, पानी सबका अधिकार है। लेकिन पानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, पानी के बेतहाशा बिल बढ़ाए जा रहे थे, नकली और फर्जी मीटर लगाए गए थे। आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम हर घर को 400 लीटर पानी फ्री देंगे। और दोस्तों आपको बधाई फिर देनी होगी अरविंद केजरीवाल को कि सरकार आने के 24 घंटे के अंदर हमने 400 लीटर पानी फ्री करा दिल्ली में, आज 400 लीटर पानी फ्री जाता है। स्वास्थ्य सबका अधिकार है, दिल्ली में इतनी CBI की रेड कराने के बाद, एंटी करप्शन ब्यूरो छीनने के बाद, हम सबके खिलाफ मुकदमे कर देने के बाद, और मुकदमे भी कैसे कैसे, ये महिलाएं बैठी हैं यहां पर, हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमारी बहनें बैठी हैं, कैसे मुकदमे, हमारे एक साथी हैं IIT के पढ़े हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े मेधावी व्यक्ति हैं, उनका अपनी पत्नी से किसी बात पर अनबन हो गए। कौन विवाहित आदमी है जी यहां जो बैठ रहा है बताइए, उसके घरवाली झगड़ा नहीं होता, हमारा भी होता है, आपका भी होता होगा, प्रधानमंत्री जी रख के देखिए आपका भी होगा, इसमें क्या दिक्कत है, सबका होता है, सबका होता है। उस सोमनाथ भारती का अपनी घरवाली से झगड़ा हो गया तो उसके कुत्ते को पकड़ के ले गए, बोले जी कुत्ते का बयान लेंगे। मैंने कहा इसकी जबान तो तुम ही समझ सकते हो, हम तो समझ नहीं सकते, तुम्हें बताओ कि क्या बोलता है। 3 दिन तक कुत्ता जेल में रहा, कुत्ते का बयान लेंगे कि उसने पत्नी को काटा कि नहीं काटा। लोकतंत्र ऐसी हरकतों से नहीं चलता। आपने अचानक एक दिन आधी रात उठकर कहा भाइयों बहनों अब आज के बाद से फला नोट बंद, 500 का नोट बंद क्यों, 500 का नोट बहुत बड़ा था, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, अच्छा 2000 का छोटा है, क्या समझते हो हम रोटी नहीं खाते, हम घास खाते हैं, अचानक रात को आप खड़े हुए, आजकल तो डर लगता है अगर कोई आदमी का रात को सुन ले भाइयों बहनों तो ऐसा लगता है पता नहीं अगला क्या प्रस्ताव पास होने वाला है, और आप जापान जाके लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं बेटी की शादी है पैसे नहीं है, इस बार भाजपा ही आए तो कहते ना चुनाव है वोट नहीं है, वहीं से ले लो जहां से लेके आए, बताइए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के बताइए, बताएंगे कहेंगे नहीं कहेंगे। इतना अहंकार, इतना गुरूर, आप एक चुनाव ही तो जीते, ये 5 साल की सरकारें हैं, ये थोड़े थोड़े समय का आना जाना है। गोवा के लिए एक प्लान बने, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें 100 से भी ज्यादा इलाज सरकार आपके फ्री कराती है, गोवा के नागरिक का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, सामान्य बात है, जो यही लोग कर सकते हैं जो इस मंच पर बैठे हैं, तो जो गोवा के लोग लड़ाई लड़ रहे हो वो केवल कंपेरिजन कर
मांडवी नदी पर मां मांडवी पर पुल बनता है, 400 करोड़ पास होते हैं, 800 करोड़ खर्चे हो गए, पुल आज तक नहीं बना। पता नहीं इन लोगों को कौन सा गणित आता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को। मुख्यमंत्री दिल्ली में एक पुल बना रहे थे, फ्लाईओवर 300 करोड़ का खर्चा था, समय से 4 महीने पहले पूरा हो गया, 200 करोड़ में पूरा हो गया। ये 100 करोड़ कैसे बचे? बेईमानी रुक गई इसलिए बचे, भ्रष्टाचार रुक गया इसलिए बचे। पहली बार हिंदुस्तान में कोई आदमी सुख में जीना चाहे, कोई लव विवाहित जोड़ा अगर सोचे कि मुझे कहीं जाना है, कोई मुझ जैसा कवि अगर सोचे कि कविता लिखने के लिए 1 महीने कहीं जाना है, अगर कोई फिल्मकार सोचे कि मुझे खूबसूरत प्रकृति दिखानी है, तो ऐसा गोवा बनाइए कि पहला ख्याल इस पवित्र भूमि के बारे में आए, गोवा में आकर वो आदमी काम करे। ऐसी सरकार आपको लानी है, ऐसा काम आप लोग करते हैं। दोस्तों अगर आज ये लड़ाई आप चूक गए तो 5 साल तक किसी को ब्लेम मत करना, किसी को बुराई मत करना कि गोवा लुट रहा, किसी को मत कहना कि इलीगल माइनिंग हो रही है, किसी को मत कहना कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के भी पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अपराधी आप स्वयं हो। जो सब लोग हमसे पूछते हैं कि आप इस लड़ाई में शामिल क्यों हैं, हम जैसे सब लोग जो अपनी अपनी नौकरी छोड़कर आए, अरविंद इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, लाल बत्ती की नौकरी थी, छोड़कर चले आए, मनीष सिसोदिया दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो एक बहुत बड़े चैनल में काम करते थे, छोड़कर चले आए, मैं एक विश्वविद्यालय की नौकरी में था, इस्तीफा देकर चला आया। हम इसलिए नहीं आए कि हमें सरकारों में आना है, हम इसलिए नहीं आए कि हमें किसी पद पर बैठना है, हम अपने लालच से आए, हम स्वार्थी हैं, और हमारी तरह स्वार्थी आप सब लोग भी हैं जो यहां खड़े हुए हैं। और स्वार्थी हो तो मुझे बताना, मेरा छोटा सा स्वार्थ आपका भी स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यह है कि आज से 40 साल बाद मेरी बेटी का बेटा मुझसे पूछे कि गोवा आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा था उस समय आप कहां थे, तो मैं उससे कह सकूं मैं गोवा के लोगों के साथ तिरंगा लेकर खड़ा हुआ था, उन्हीं के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा हुआ था। तो अपना अपना स्वार्थ तलाशिए और एक एक व्यक्ति को कन्विंस करिए, यह लड़ाई पैसे और जुनून के बीच में है। भाजपा के बराबर पैसा हम खर्च नहीं कर सकते, कांग्रेस का तो मतलब ही नहीं है, उनके यहां तो वैकेशन पर राजनीति चलती है, उनके सबसे बड़े नेता हैं अविवाहित, पता नहीं भगवान कब करेगा, ईश्वर करे जल्दी करे मामला, वो होते ही नहीं है। जब भी कोई संकट होता है देश स्पेन में होता है, वो स्पेन में होते हैं, अचानक बीच में आते हैं और फिर बीच में गायब हो जाते हैं। अखबार में खबर छपती है कि उत्तराखंड के जंगलों में देखे गए जैसे तेंदुआ देखा गया, फिर वो लौट के बताते हैं कि नहीं मैं उत्तराखंड नहीं गया था, मैं बैंकॉक गया था चिंतन करने। मैं भी 2-4 बार बैंकॉक गया हूं, पर वहां जो होता है उसे चिंतन कहते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला राहुल गांधी जी के थ्रू, वो अचानक गायब हो जाते हैं। तो ये वेकेशनल पॉलिटिक्स है, आप छुट्टी गए, छुट्टी के बाद आए, उसके बाद देख लिया गोवा में क्या हो रहा है, मंत्रियों को बुला के डाक लिया, जो कुछ कमाई हो सकती है कमाई कर ली। इसलिए गोवा में जो लोग इस समय लड़ रहे हैं, गोवा में जो इस समय नागरिक हितों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी एक बहन बैठी है जो प्रत्याशी है, जो स्वयं को सिद्ध कर चुकी है अपने दूसरे कामों में, वो लड़ रही है। मैं सारे प्रत्याशियों से मिला हूं, जो लोगों का चयन किया है पार्टी ने आपके बीच में से, वे सब वो लोग हैं जो आपके बीच में से आए, ऐसे ही सामान्य जगह से आए। तो ये फकीर और राजा के बीच की लड़ाई है, ये पैसे और जुनून के बीच लड़ाई है, और इतिहास गवाह है कि जब जब पैसे और जुनून के बीच लड़ाई होती है तब तब जुनून जीतता है, पैसा हारता है। 4 तारीख को गोवा जीतेगा और ये पैसे वाले हारेंगे। 4 तारीख को जितने लोग हैं, अभी पत्रकार उससे पूछ रहे थे दिल्ली से एक SMS करके, साहब रैली देखी है अरविंद जी की, 5-7 हजार आदमी आ रहे हैं, और पंजाब में तो रैली होती है तो 50,000 आदमी आते हैं, कितने लोग हैं यहां, जितने भी लोग हैं ये 5-7 हजार, ये किसी भी प्रधानमंत्री की रैली से ज्यादा इसलिए हैं, इनमें एक अंतर है मुझे बता देना अपनी तालियों से, ये लाए हुए लोग नहीं है, ये आए हुए लोग हैं, जो अपनी मर्जी से आए, अपनी इच्छा से आए। बताइए कितने लोग हैं जिनके लिए कारें लगाई गई हैं, गाड़ी लगाई हैं, जिनको शराबें पिलवाई गई, जिनको पैसे दिए गए हैं, ये सब वो लोग हैं जिनके अंदर ये आग है कि उन्हें गोवा बदलना है, जिनके अंदर ये आग है कि इलीगल माइनिंग बंद करानी है, गोवा के बारे में जो बाहर छवि जा रही है वो खत्म करनी है। तो गोवा के लिए ऐसे विधायक को चुनिए, अपने ऐसे साथी को चुनिए जो कल गोवा के हितों के लिए अपने मुख्यमंत्री से लड़ सके, केंद्र से लड़ सके, अपनी पार्टी से लड़ सके। ऐसे लोगों को मत सुनिए। सेना ने पराक्रम दिखाया, सेना दूसरे देश की सीमा में घुसी और उसने पराक्रम दिखाया तो पूरे गोवा में झंडे टन गए, परिकर साहब के स्वागत है स्वागत है, ऐसा लगा था गोली राइफल लेके अंदर गए होंगे। उसके बाद एक सैनिक ने कहा था हमारा पैसा नेता अधिकारी खा रहे हैं, मैं हल्दी की दाल खा रहा हूं, बोले ये राष्ट्रद्रोही है। वाह जी वाह, तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेले तो गिल्ली डंडा। भाई वो सिपाही भी तो सच है, अगर तुम्हारा ये पराक्रम से अगर इसका तुम लाभ लेना चाह रहे हो तो सिपाही की तो सुनो, उसकी भी तो कोई बात सुनने वाला होना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस भाजपा कांग्रेस के कुचक्र से निकलने का स्वर्णिम अवसर
आज भारत की राजनीति ने गोवा के सामने रखा है। हम सब लोग तो केवल गोवा का समर्थन करने आए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे हम हो, हम सब लोगों का कोई विशेष हित नहीं है। हम केवल इसलिए आए हैं कि गोवा ने आजादी की लड़ाई हमसे ज्यादा लड़ी है, गोवा आज दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उसके दर्शन करने का अवसर मिला। इसलिए जितने भी लोग हैं, आप सब आज ये वादा करके जाइए कि कम से कम एक व्यक्ति 100 लोगों से बात करेगा और हम इस लड़ाई को पैसे और जुनून के बीच की जीत बना के दिखा देंगे। जितने लोग मेरे साथ हों वो दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से बताएं कि वो ये काम करने वाले हैं। अभी आवाज आई नहीं है आपकी, और जोरदार तालियों से बताइएगा, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।